I'm an interior designer and CEO of Design In Depth. Design In Depth basically is a furniture company जहाँ हम furniture and interior design दोनों एक साथ मिलकर चलते हैं. तो हमारे काफ़ी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं कराची में और कुछ हमने दुबई के अंदर भी प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं स्पेशली विद द रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ. आइडिया कॉन्सेप्ट ये था कि इट्स अ 120 यार्ड्स विला बट यहाँ पर रहने वालों को ये फील हो कि वो 500 गज के घर में रह रहे हैं या 1000 गज के बंगलों में रह रहे हैं. वो आप पूछेंगे कैसे, तो देखें 120 यार्ड्स में व्हाट यू थिंक के दो तीन बेडरूम्स होंगे, छोटा सा लाउंज होगा, दैट्स ऑल माय हाउस इज अबाउट. लेकिन हम इसमें इस तरह से डिज़ाइन किया इस पूरे विला को हमने कि बेसमेंट के अंदर हमने एक जिम का स्पेस रखा हुआ है, प्ले एरिया रखा हुआ है, यू कैन हैव योर पूल टेबल, हमने मॉडल विला में शो भी किया हुआ है, और यू कैन गो फॉर फुटबॉल, और आप कार्ड शौक है तो आप कार्ड टेबल रख लें वहाँ पर. देन अगेन वी हैव अ लैंडस्केप एरिया इन द बेसमेंट एरिया एंड देन वी हैव अ कैजुअल लिविंग एरिया जो फैमिली अपनी बैठना चाहें कैजुअल लाउंज के अंदर बैठ सकते हैं. ऑन ग्राउंड फ्लोर हमने इसमें एक फॉर्मल ड्राइंग रूम दिया हुआ है फॉर द गेस्ट्स एंड उसके बाद भी छोटा सा एक लाउंज है, डाइनिंग एरिया है, किचन है एंड एक बेडरूम है. एंड देन ऑन द फर्स्ट फ्लोर टू बेडरूम विच इज अ वेरी गुड साइज बेडरूम और उसी के साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेरेस. एंड ऑन द थर्ड लेवल यू हैव अ रूफ गार्डन. तो अगर आप देखें तो 120 यार्ड्स में यू आर गेटिंग एवरीथिंग, मतलब जो आप 500 गज में भी इमेजिन करते हो कि मेरे पास जिम हो, प्ले एरिया हो, कैजुअल लिविंग, फॉर्मल लिविंग, यू हैव एवरीथिंग एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव अ रूफ गार्डन. फ्रॉम माई 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैं एक तो ये बात दावे से कह सकता हूँ कि इस तरह की कम्युनिटी इन रेजिडेंशियल विलास में पूरे कराची में तो नहीं होगी. बी आर बी और एसिस टाइप की जो ये बन जाएगा यू विल सी द रिजल्ट बिकॉज वी कैन फोरकास्ट. एंड इसके साथ ही जो नया प्रोजेक्ट आपका आ रहा है, दो हाई राइज बिल्डिंग्स आ रही हैं फ्रंट पर, मैं ये भी दावे से कह सकता हूँ कि उस पूरी लोकेलिटी में, उस विसिनिटी में इस तरह का प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल टावर में नहीं होगा. बिकॉज आई हैव सीन द डिज़ाइंस, आई हैव सीन द लेआउट्स एंड आई हैव सीन द वर्कमैनशिप जो अभी से इसके ऊपर लग रही है, जो डेडिकेशन इसके ऊपर हो रही है इस पर.